हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट क्रिएशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इमरजेंसी लाइट, ये आपने देखी होगी चाइनीज़ वाली, इसको अपग्रेड करेंगे। इसका आप बैकअप भी बढ़ा सकते हैं और इसकी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं इसकी बैटरी को चेंज करके। दोस्तों, इसमें एसिड बैटरी होती है क्योंकि ये सस्ती बैटरी आती है, ये आपने देखी होगी, ये 20-25 रुपये की बैटरी आ जाती है मार्केट में। अगर आप इसको बैकअप, इसके लाइट का बैकअप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लिथियम बैटरी का यहाँ पर उपयोग करना होगा। जो चार्जिंग सिस्टम है ये भी हमें अपग्रेड करना होगा क्योंकि ये जो सर्किट होता है ये पीएफ पर आधारित होता है, ये पीएफ सर्किट होता है। इस पीएफ सर्किट से लिथियम बैटरी ख़राब हो जाएगी क्योंकि ये सर्किट ओवर वोल्टेज, ओवर करंट निकालता है। इस सर्किट को हम एसिड बैटरी में यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिथियम बैटरी में नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम एक सर्किट मार्केट में अवेलेबल है उसे हम यूज़ करेंगे इसमें और इसे अपग्रेड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट को आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का सर्किट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, TP4056IC वाला। दोस्तों, यहाँ पर हम दो बैटरी लिथियम की 2200mAh की बैटरी जो हम ले रहे हैं दोस्तों, इसे आपस में आपको समांतर क्रम यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस में एक साथ कनेक्ट कर देने हैं दोनों वायर, और इस दोनों बैटरी को एक साथ किसी टेप से चिपका सकते हैं। दोस्तों, ये बैटरी जगह भी कम घेरती है, बैकअप भी आपको अधिक मिलेगा। दोस्तों, इसका बैकअप और इसके बैकअप में आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। ये एक घंटे चलता है ये बैटरी और ये आपको 3 से 4 घंटे काम करेगी। अभी हमारी बैटरी पैक हो चुकी है बिल्कुल, अब ये पावरफुल बैटरी बन चुकी है दोस्तों। अब इन दोनों बैटरी का कोई काम नहीं है दोस्तों, इनको निकाल देते हैं बाहर। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा। अब ये जगह भी कम घेरी, ये देखिए फिट हो गई है, कोई काट छाट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमने लगा दिया है बैटरी को। अब देखिए, इस बैटरी को भी निकाल देते हैं, इस बैटरी को। अब दोस्तों, हमें सर्किट को ध्यान से समझना है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा वायरिंग अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप घर पे ही आसानी से वायरिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, यहाँ बैटरी में थोड़े थोड़े तार और हमें जोड़ लेने हैं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े दो लगा लेने हैं। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इस तरह से आपको जोड़ लेना है और यहाँ पर आपको आयरन से इसको से सोल्डरिंग कर देनी है। ये टाँका खुले नहीं, इसलिए इसी प्रकार से माइनस में भी जोड़ लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसे सोल्डर वायर से सोल्डर कर दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोल्ड हो चुका है। अब ये हमारे दोनों वायर सोल्डर हो चुके हैं। अब इनको हमें इस तरह से आपको अच्छे से फिट कर देना है और इस पर भी इस तरह से चढ़ा देंगे। इस तरह से आप टेपिंग कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमें बैटरी के जो दोनों वायर हैं, सबसे पहले दोस्तों ये दोनों वायर हमें बैटरी के, ये जो हमने सर्किट लिया है TP4056IC वाला, इसको हमें इसमें कनेक्ट करने होंगे। ये बैटरी का आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस दे रखा है। दोस्तों, हम आपको जूम करके दिखाते हैं सर्किट को, ये आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लस वायर का देना है बैटरी का और यहाँ पर माइनस वायर का देना है। दोनों यहाँ पर टिप बनी हुई है, दोनों टिप के अंदर हम इस तार को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरा जानकारी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, आपको फिर किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी देखने की। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से टाका हमारा लग चुका है। दूसरा वायर भी इसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस का टिप दिया हुआ है, इस पर हम लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने फिट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, अब दोनों वायर हमारे बैटरी वाले कनेक्ट हो चुके हैं सर्किट में। ये सर्किट हमारा चार्जिंग सर्किट है दोस्तों, चार्जिंग कंट्रोल के लिए लगाया जाता है ये। अब यहाँ पर हमें जो, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सर्किट को आपको कुछ नहीं छेड़ना है दोस्तों। ये तार आप देख सकते हैं, ये जो दो तार आए हुए हैं ये बैटरी के लिए, दूसरी बैटरी ये लगी थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इस बैटरी से निकाल करके इन वायर को निकाल लेना है। पहले नंबर से आप ये दोनों वायर को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इन वायरों को हम काट देते हैं, ये पुरानी बैटरी जो लगी हुई थी इसे हटा देते हैं, इस प्रकार से कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद ये जो वायर पहले वाले लगे हुए थे इस सर्किट में, इन्हीं वायरों को हम कनेक्ट कर देना है। कहीं कुछ नहीं आपको करना है दोस्तों, बस इस सर्किट इस साइड जो आप देख सकते हैं चार्जिंग वाले साइड में, जो यहाँ सॉकेट दिया हुआ है इसी में आपको जोड़ना है। देख सकते हैं ये प्लस का है, आपको मैं पास से जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है सॉकेट, इस सॉकेट के बगल में ये प्लस है और इस साइड माइनस है। इन दोनों पर इन वायरों को हमें कनेक्ट करना है। प्लस वाला वायर प्लस की साइड लगा देते हैं। यहाँ आप सॉकेट का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं सॉकेट का उपयोग नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट जो दिया हुआ है ये प्लेट, इसके द्वारा हमें पूरा फंक्शन लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम सीधे इन कनेक्टर के बगल में दिए हुए टिप पर कनेक्ट करना।
देख सकते हैं। इसी प्रकार से अब माइनस के वायर को भी हम कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा टाका प्रॉपर लग चुका है, देखिएगा। अब हमने सीधा लिया था बैटरी से, बैटरी के बाद हमारा ये आ गया है इस सर्किट में। और इस सर्किट का हमें उपयोग हमने पहले ही आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इस पीएफ वाले सर्किट का ये जो आउटपुट हमें नहीं लेना है, क्योंकि इससे हमें हमारी बैटरी जो है डैमेज हो जाएगी। बहुत ध्यान रखना है, इस पीएफ को हमें पहले नंबर निकाल देना होगा, क्योंकि इस पीएफ से अगर लगा रहेगा किसी ने, अगर यहाँ पर कोई सॉकेट लाइट वाला लगा भी देता है, लीड को लगा भी देता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर हमने इस पीएफ को बाहर कर दिया है और इस रेजिस्टेंस को भी हमें बाहर कर देना है। इस तरह से आप सर्किट से ये पार्ट्स हटा सकते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं रहा है अब यहाँ पर। दोस्तों हमने ये हटा दिए हैं पार्ट्स, डायोड थे और यहाँ पर कंडेंसर था, तो मैंने निकाल दिया है दोस्तों। अब ये हमारा सर्किट जो बचा है ये उपयोग का है, चेकिंग करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये चार्जर लगाया तो ये हमारा जो सर्किट है इसकी लाइट ऑन हो गई है, चार्जिंग ऑन हो गई है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा, चार्जिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारा जो ये LED पैनल है ये अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने जैसे कि तैसे ही तार उठा के यहाँ पर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। प्लस जो हमारा ये प्लस भी लिखा हुआ है, ये डायोड के हमें इस साइड इसको हमें जोड़ना है चार्जिंग वाला तार को, तो हमारा चार्जिंग तो प्रॉपर होगी, इस साइड जोड़ होगी। सबसे पहले हम इस चार्जर को निकाल देते हैं, हमने ये प्रॉपर चेक कर लिया है, उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसकी वायरिंग को हम कंप्लीट करेंगे। पहले ये जो वायर प्लस बी पर लगा है इसे निकालना है यहाँ से, कौन से, ये देखिए दोस्तों, इस पॉइंट से हमने इस तार को यहाँ से निकाल दिया है। ये देखिए, ये प्लस भी लिखा था, यहाँ से हमने इस तार को निकाल लिया है। अब इस जो ये हमारे जिस चार्जिंग सॉकेट से करंट आता है, इसमें ये इस डायोड पर आता है सीधे, इस डायोड के हमें शुरुआत में पहले लगाना है, इस यानी कि इस सॉकेट के तुरंत बाद हमें इस तार को जोड़ना है। तो हमारा इस प्लेट के चार्जिंग कनेक्टर के पास जुड़ा है, इस तार को हमें कहाँ जोड़ना है दोस्तों, इस जगह जोड़ना है डायोड से पहले, तो इस जगह हम जोड़ लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमने सर्किट के ऊपर से ही इसे डायोड के पहले कनेक्ट कर दिया है, शोल्डर वायर से टाका लगा दिया है। अब हम जो यहाँ हमने प्लस बी का पॉइंट यहाँ पर खाली कर दिया है, ये हमने यहाँ से निकाल के इधर कर दिया है, तो ये पॉइंट खाली हो गया है। इस वायर यहाँ से एक वायर लेना है और हमें इस सर्किट के आउट पर जोड़ना है, जो आउट लिखा हुआ है इस पर हम एक तार लेंगे और जोड़ देंगे। तो चलिए आउट पर जोड़ देते हैं, ये आउट वाला वायर यहाँ पर इस सर्किट में हमने ये आउट पर ले लिया है, यहाँ पर जोड़ कर सोल्डिंग कर देते हैं। देखिए अच्छे से सोल्डिंग हो गई है। अब इस लॉन्ग वायर को यहाँ से कट कर देंगे, देखिए अच्छे से प्रॉपर जुड़ गया है। अब इसे जो हमारा प्लस बी यहाँ पर हमने देखा था, खाली ये जगह है प्लस बी की, देखिए अब ये यहाँ पर हम जोड़ते ही लाइट ऑन हो जाएगी, देखिए दोस्तों, देखिए, और हमारी लाइट भी अब ऑन हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा लाइट नज़र आ रही होगी, हम आपको प्रॉपरली दिखा देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ प्लस बी का होल है, देखिए दोस्तों जल गई। यहाँ से आपको कनेक्ट करना है, बस आपका पूरा सर्किट कम्प्लीट हुआ। देखिए दोस्तों, हमारी वायरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको एक एक सर्किट का एक एक वायर आपको अच्छे से दिखा दिया है, अगर आप कम भी जानकारी आपको हो तो भी आप काम कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से चार्जर कनेक्ट करके भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये हमारी लाइट प्रॉपरली चार्ज होने लगी है। चार्ज के समय हमारा ये सर्किट जो ऑफ़ करने वाला ये सर्किट होता है ये भी वर्क करेगा और आपकी चार्ज होने लगेगी लाइट, और इसके बाद ये सर्किट की लाइट जल जाएगी और ये लाइट हमारी पैनल की ऑफ़ हो जाएगी। अब जैसे ही हम चार्जर को निकालेंगे तो फिर से ये लाइट जलने लगेगी, देख सकते हैं आप, जल गई और ये हमारा चार्जर ये सर्किट बंद हो गया है। जब भी हम प्लग लगाएंगे, पिन लगाएंगे, तो ये फिर से जलने लगेगी। अब देख सकते हैं आप, हमारी लाइट कम्प्लीट हुई। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के उपयोग की हो सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिएगा अभी हमारी स्विच वही काम सब करेंगी, देखिए आपको थोड़ा दूर से दिखा देते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हाई हो गई, ये बीच में ऑफ हो गया और ये लो हो गई। ये सर्किट में पहले से ही मौजूद था सिस्टम, ये वही है। हमने यहाँ पर चार्जिंग और इसकी जो है बैटरी चेंज की है, बाकी का सभी वही सिस्टम है। और इसे हमने जो लिथियम बैटरी का उपयोग किया है। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।